भारत के इतिहास में वो तारीख थी 18 मार्च 1792, जगह श्रीरंगपट्टन। उस दिन मैसूर के टीपू सुल्तान ने गवर्नर कॉर्नवालिस के साथ सुलह की और जीता हुआ मलबार का प्रदेश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की झोली में डाल दिया। फिर तो कंपनी ने व्यापार में मनमानी शुरू कर दी, लोगों की आमदनी पर ज़्यादा महसूल की धौंस जमाई और आज़ादी रौंदने वाले कानून भी मत्थे लाद दिए। मलबार के लगभग सारे राजा महाराजा कमज़ोर थे, ब्रिटिश को चुनौती देने का साहस नहीं जुटा पाए। वो बस एक निर्भय राजकंवर था जिसने अपनी प्रजा में बगावत की चेतना जगाई। Good morning, Colonel. Good morning, Colonel. Good morning, Major. Good morning, Major. Good morning. They have all come? Yes, sir. All of them have come. They are the local chieftains. Something like the lords in our country. You know all the points, Bandari? Sure, sir. With regard to... I know, sir. I will help you. I am office clerk, first grade, Tanar Menon. I speak 5 languages. Read and write 3. Wonderful. Gentlemen, please. Good morning, gentlemen. Namaste. 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 Good morning, sir. Namaskar. You're Kannavath Nambiar. Yes, yes, sir. Kannavath Nambiar. Ye Colonel Baus. And ye Major Saab. ये मेजर मुरे, ये मेजर गॉर्डन। Gentlemen, please be seated. Bandari, tell them. Yes, sir. हमारे गवर्नर डंकन साहब ने एक खत लिखा है, जो कि कर्नल साहब के पास है। उस खत के प्रमुख मुद्दे हैं। यहाँ की परिस्थितियों से गवर्नर साहब भली भांति परिचित हैं। आपसे 4 लाख से ऊपर लगान आना बाकी है, बिल्कुल सही अंकों में 4,40,000 रुपए। अगर ऐसे ही लगान बढ़ाते गए तो भला किसान कैसे चुकाएगा? हाँ, सर, he says the farmers. I understand. कंपनी एक रकम मांगती है, राजा अपना हिस्सा जोड़ता है, ऊपर से जमा करने वाली प्रतिनिधि अपनी मलाई लेते हैं, जो नहीं चुका सकते उनका क्या? What is his problem? हाँ, सर, he says company increases the taxes. The rulers add some more. The collection agents want a cut for themselves. Mr. Menon, tell them what happened to Chirakkal. Sir, Chirakkal में क्या हुआ पता है ना? प्रतिनिधियों ने लगान तो वसूल किया, पर चिरकल राजा खा गया। फौज भेजी तो बुद्धि ठिकाने आ गई। भुगतान की तारीख बढ़ाने के लिए खुद कंपनी के अधिकारी रिश्वत लेते हैं, उनका क्या? The bribery issue. Tell them, Bandari. Yes, sir. अब कंपनी का... Sir, I will tell them. आपको 30 दिन दे रहे गवर्नर साहब। पहले सूद चढ़ेगा, फिर सूद पे सूद, फिर उस पे भी सूद, और फिर भी पैसा जमा नहीं हुआ तो जायदाद संपत्ति जब्त करने का अधिकार कंपनी को रहेगा। It's the governor's orders. I cannot do anything. Mr. Menon. Sir. हाँ, डाकू चोर उचक्के लुटेरे दरोड़ेखोरों का राज था यहाँ। उनका खात्मा करके सब लोग सुख समाधान से जिए, शांति से रहे, बस यही कंपनी सरकार की चाहत है। लेकिन पैसे के बगैर उनका ये नेक कारोबार चलेगा कैसे? बस इतना तो चाहती है कंपनी। Excuse me, Colonel. When the Mysore army attacked, we faced them. Your good-for-nothing kings ran away with their families and their treasures. They showed no concern for this country, nor for its people. Cowards! Translate that, Bandari. Sir, मैसूर का आक्रमण जो... मैं समझता हूँ साहब, अनुवाद को छोड़ो। सारे राजा भगोड़े नहीं थे। मैसूर की फौज ने आक्रमण किया तब एक राजा थे जो आपके साथ लड़े। यहाँ आज हुक्म छोड़ते खड़े हैं आप, वो सिर्फ उस एक राजा की बदौलत। मत भूलिए, भली भांति अपनी भाषा में समझाओ अपने साहब को। भंडारी I understand. You mean Kerala Varma Pazhassi? Kerala Varma Pazhassi Maharaj. Yes, sir. राजा के उपकार कंपनी कभी भूल ही नहीं सकती, लेकिन लगान का विरोध करके कौन कंपनी से दुश्मनी ले रहा है? कौन आपकी संपत्ति पे, जायदाद पे जब्ती लाने की नौबत ला रहा है? आपके पलसी केरल वर्मा। बस बाद में बात करेंगे। उन्हें जो कहना है कहने दीजिए नंबियार जी, हम यहाँ बहसबाजी के लिए नहीं आए। अपने राजा पर तोहमत लगा रहे हैं वो, समझ रहे हैं आप? Good day, gentlemen. Mr. Menon, sir. Bandari, जी. Let us go to my office and discuss this. Sir. जी. टीपू के आक्रमण से यहाँ के हालात खराब हैं, कंपनी जानती है। फिर भी हम गवर्नर के हुक्म को मानते हुए पुराना बाकी और इस साल का लगान कुल मिला के 75,000 हम तुरंत वसूल करके आपको अदा कर देंगे। नमस्ते। विराजिए। महाराज ऐसा आश्वासन। तो मेहनत करो। क्या लगान वसूल करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम तहसीलदार नहीं हो? लिखो, प्रति किस्तों पर पहले सुपरिटेंडेंट उत्तर दिशा, कंपनी का हमेशा का हितचिंतक वफादार कोट्टयम राजा वीर वर्मा। महाराज, मसले का हल निकलने से पहले ही कोट्टयम के राजा की हैसियत से दस्तखत। यह खत सीधा गवर्नर के हाथों में ही जाएगा। फिर कोट्टयम का राजा मैं या पलसी केरल वर्मा, किसी का कोई शंका ही नहीं होगी। नहीं आएगी। पल्लियम विडन चंदू, सुना था तुम होशियार हो। लेकिन तुम तो ना समझ निकले। मैं समझाता हूं। तो समझाइए ना महाराज। कर्नल साहब को उसके महल पे भेज देते हैं, तहनामे पे चर्चा करने का बहाना करके उसे यहाँ बुलाते हैं। चाचा से मिलने आने में भतीजा अपमानित तो नहीं होगा ना? क्यों कनार? अपमान कैसा? उन्हें कोई अपमान नहीं लगेगा। हाँ, सारे मसले खुल के आमने सामने रख देंगे। फिर मुकदमा चलाना है, कारागार में डालना है, जो भी करना है साहब की मर्जी। खूनी नारंगोली नंबियार को उसने छुपा दिया था कहीं। कारावास से मुसलमानों को निकाल फांसी भी तो चढ़ाया था। लेकिन कोई सबूत नहीं है ना महाराज। तो पैदा करेंगे। लगान वसूल करने वालों पे किसने हथियार उठाए? आदेश किसने दिए? कंपनी रोक पाई क्या उसे? मैं कंपनी से यही तो पूछ रहा हूँ। मैं 75,000 जमा करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कंपनी मेरे लिए कुछ चीजें करे। लो साहब को खास तौर पे बोल देना। जी मैं बताऊंगा उन्हें। साहब को सलाह चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। बस पहले उसे यहाँ लाओ, उसके बाद मुकदमा कर पाओगे। आप भले चाचा हो उनके, लेकिन पलसी राजा को आप पूरी तरह जानते नहीं हो। आपको लगता है कर्नल के 4 आदमी गए तो वो मेमने की तरह यहाँ आ जाएगा। 4 आदमी काफी नहीं तो पूरी फौज भेज दो। क्यों कनार? कंपनी अटेंशन, कंपनी फुट ऑन, कंपनी राइट टर्न, कंपनी क्विक मार्च। चलो जल्दी चलो। सैयद अलवी नाम हाजी, पालकल घाट, गोविंद के घर। चलो चलो संभल के चलो, जल्दी चलो। मैं यहाँ संभाल लूंगा, कुंगन को बता देना। माकम जरा संभल के। अम्बू भाई राजन कहाँ है? आएंगे, बस उन्होंने कहा वैसा करो। चलो तुम ठीक हो ना? बस कुछ नहीं हुआ। Open the chest. Sir. I think this must be his bedroom. How do I look? Judges' high seat. चलो Palasi left 3 days back, Major. He said. Ah, आखिर आ ही गए तुम। कब से अंगारों पे खड़ा हूं, परेशान की कुछ तो खबर मिले। कहाँ है कन्ना साहब? उसे पकड़ा कि नहीं? 300 आदमी गए थे। हाँ? लेकिन वो कहाँ है? वो तो कब के निकल चुके थे। बड़ी पूजा है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। डिंग मारी थी ना तुम्हारी धर्म पत्नी ने। हाँ, पर माकम ने जिद करके पूजा की जगह बदल दी। ये मेरी पत्नी को कैसे पता चलता? भाग गया, फर्क नहीं पड़ता। कितना धन था, धन का क्या हुआ? फौजियों ने क्या किया मुझे क्या पता। पैसे की तिजोरी, सोने से भरे पूरे कमरे, चांदी के गहने, इन सब का क्या हुआ? फौजी थे, कुछ लूट लिया होगा। बाकी कंपनी फेरिस बना रही है। और बचा कुचा कहाँ जाएगा? फेरिस तो बनती रहेगी, पर माल यही आना चाहिए। हाँ जी। कोटेम का शासक कौन? ये तो जानते हो ना तुम? मैं जानता हूँ, लेकिन कंपनी और फौज नहीं जानती ना। एक बार भगवान ने सहायता की, इसलिए आपके भांजे बच निकले, ऐसा सोच के शांति रखो आप। हट! मैं ये बोल रहा था। मुंह काला कर अपना। सारे दिए बुझा दो सुब्राज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भूखी नहीं है। आपकी जिद थी चाचा जी कि मुकदमा चलाया जाए मुझ पर। आइए अभी शुरू करते हैं। मैंने कहा तुम्हें यहाँ लाए, बस फौज महल पे हमला करेगी सोचा भी नहीं था। अत्याचार हर तरफ ऊंचाई पे, चोर डाकू और लुटेरों का राज है यहाँ, और मैं वो हूँ जो उन्हें बढ़ावा दे रहा हूँ। जनता की रक्षा के बहाने कंपनी फौज को एक नया ठिकाना मिला है, Palasi का महल। महल में घुसाए, लूट मचाई, सारे अनमोल खजाने पुरखों से चले आए कीमती गहने कंपनी की सेना ने लूट लिए। पता होगा आपको। अब केरल वर्मा के पास घर नहीं है। जो सब खो गया है मेरा, उसकी भीख मांगने में यहां पर नहीं आया हूं। वो फिर हासिल कर लूंगा। जहां पहरेदार नहीं हूं, ऐसे महल को रात के अंधेरे में लूटना युद्ध नहीं होता। अब कंपनी देखेगी कि Palasi का युद्ध कैसे होता है। हमें फिर मिलने का अवसर मिले न मिले पता नहीं। मेरे नुकसान की छोड़िए, आपको देश की चिंता करनी चाहिए। इंग्लिश कंपनी कानून बनाती है। सही गलत क्या है कंपनी के गले उतरवाना, ये आपका काम है कि नहीं? आज का जो लगान है, बढ़त के बगैर वही जनता की कमर तोड़ देने के लिए काफी है। देश का सर्वनाश हो रहा है। किसान खेत खलिहान अपने पराज छोड़कर भाग रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आज से कंपनी का दुश्मन मैं, ये कोई हमारी आपसी लड़ाई नहीं है। आपको बताना मेरा कर्तव्य था, इसलिए चला आया। प्रणाम प्रणाम। महल छोड़ते वक्त गिरी थी ना तू, शायद भगवान ने हमें इतना ही दिया था। बेटा था, बस 6 महीने का था, नरम बाल, रेशम रंग, नारायणा 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 नारायण। रवि वर्मा, माँ और दादी को लेके तुम चिरकेल चले जाओ, वहां नाव मल्ला है ना। पलसी का महल तो वहां नहीं है, नहीं है। आग से बचे हुए कमरों में अब कंपनी सिपाही रहते हैं। अब अगर गर्व से उस महान कलाकार की कहानियां बताएंगे जिसने महल बांधा था, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। नारायण, तुम अंदर जाओ ना। कब आएंगे वो? एक ही बस रामधुन लगाई है। नारायण नारायण नारायण। अपने भाग में उतना ही था शायद। 8 सालों की प्रतीक्षा के बाद कुछ सपने जो किसी को बताए नहीं। बेटा होता नाम रखता अंबाडी, लड़की होती तो शैलजा, शैलेश्वरी, कुल देवता हमारी। रिवाजों को छोड़ अपने ही घर रखता। आंगन में गुड़िया का घर, पाठशाला, घूमने का मन हो तो घोड़ी की छोटी सी पक्की। कुछ मत बोलिए। गोद में लेकर तो बस तलवार को ही प्यार दुलार किया है, दिल तो खोलने दो। रहने दो, अब शिकायत नहीं करूंगा। भाई, हम निकले। हाँ दीदी, मैं आके मिलूंगा तुमसे। ठीक है। खाल केवल 3 दिनों का विश्राम, फिर तुम जा सकती हो। और अपने मायके में भी कष्ट नहीं उठाना, वहां तक तुम्हारे साथ अंबू रहेगा। और आप? मेरे पास महल नहीं रहा, पहरेदार भी नहीं, डेरा कहाँ होगा पता नहीं। समय समय पर मेरे सिपाही तुम्हारा हाल पूछेंगे। आप वहां नहीं आएंगे? आऊंगा। मुझे गिरफ्तार करके बंदी बनाने का आदेश है कंपनी सरकार का, इसलिए आने का दिन समय निश्चित नहीं बता सकता। वो आपके डेरे को ढूंढने ही निकालेंगे। सिपाही नए हैं, उनके हथियारों को नींद नहीं आएगी। और फिर चारों दिशाओं से रक्षा करने वाली भगवती तो है ही। और मेरी प्रार्थना है? उन्हें की ढाल तो छाती से लगाए घूमता हूं। अब चलो, कहने को तो बहुत है लेकिन समय कम। मेरा शिकार करेंगे, मेरी हर चाल सूंघते रहेंगे, लेकिन औरतों को हाथ नहीं लगाएंगे। गोरों को मैं जानता हूँ, अपनों से ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। और बाकी अंबू को सब पता है, निश्चिंत होकर जाओ। प्रणाम राजन। एमन नायर यहाँ? मैंने ही संदेशा भिजवाया था। बैठिए नायर जी। नमस्ते। नमस्कार। कहते हैं वेल्सली साहब से लेके कंपनी के सारे महाबाग इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो सोचा कि हमारी राय भी उन तक पहुँच जाएगी। राय भी पहुँचेगी, साथ साथ अपने डेरे का पता भी। कैदेरी के अंबू है ना, पिद्दी से थे जब देखा था। मैं तो यही कहता आया हूँ कि गोरों ने महाराज के साथ सुलह कर लेनी चाहिए अभी भी। पलसी महल पर हमला करने के आदेश गवर्नर के थे क्या? डंकन साहब बड़े सज्जन हैं, यही सुना था अब तक। शेखर जी, आखिरी खत किसे लिखा आपने? कुटियाड़ी के रामन को। पढ़िए। आक्रमण या अत्याचार से लगान वसूलने की कोशिश की तो आपके बही खाते में हिसाब खून से लिखा जाएगा। हाँ। कल्याट के अपू कुट्टी, कुट्टीएरी के रामन, आरआरडी माधवन और लगभग सभी को आज कल में यह संदेशा पहुंच जाएगा। कंपनी के लगान से ज्यादा जमाओ, अपना हिस्सा लो, धंधा है कुछ लोगों का। जानता हूं, पलायमबिड़न को लाकर लगान का तहसीलदार बनाने वाले राजन ही तो थे। कलरी में साथ पड़ता था, मैसूर की लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के लड़ा भी था। अचरज होता है ऐसे लोगों का, अतीत को कैसे बुला देते हैं। हर तरह के लोग तो होते ही हैं ना राजन, अधिकार पदवी होते हुए भी एक अच्छे खासे गोरे महाशय रिश्वतखोरी करते पकड़े गए। लंदन की बात है ये। टीपू ने आक्रमण करके जमीन की पाई पाई नोच ली थी, तब स्वयं महाराज ने किसानों को बीज और औजार दिए, ढाढ़स बंधाया। जनता ये जानती है। धन है ऐसा नहीं, छोटे प्रांत के कुंवर के पास कैसा धन। चौवक कारण मूसा, ये रमग मम्माली और भी लोग हैं। मुनीम जी जानते हैं किसका कितना कर्जा है सर पे। भूमि स्वतंत्र होनी चाहिए, परंपराएं टिकनी चाहिए। 2000 की फौज लेके मैसूर के युद्ध में हम अंग्रेजों के साथ लड़े थे, वो इसीलिए। असली शत्रु कौन था यही सोचता रहता हूं। राजन, मेरे पास न फौज है और ना ही हथियार, मैं तो एक व्यापारी हूं। लेकिन जहां भी आपका डेरा रहेगा, अनाज और धान की कभी कमी नहीं होगी, वचन है। अभी इतना ही कह सकता हूं। अंबू, ये मेरे भी राजन हैं। रायरप्पा, ये पैसा है कुछ, खत्म होगा तो और आ जाएगा। निकलूं अब राजन? तुम कुदाल फावड़े से आदमियों को योद्धा बना सकते हो तो नायर हजारों किसानों को ले आएगा, क्योंकि उत्तर वायनाड में वो बोले सो कायदा होता है। क्या है इसमें? कच्चू नहीं, दालचीनी है बस। सारी बोरियां बाहर रखो। साहब आए हैं लगान के लाने। जल्दी करो। देख क्या रहे हो? उसे कस के बांधो और लेके चलो जल्दी। अभी देखता हूँ तुम्हारा। पकड़ो उसे। ये भागा हुआ मुजरिम है, एड़चना कुंगन रेबल। काली मिरी, अनाज, इलायची नहीं मिली तो औरतों की आबरू से खेलने का हुक्म है क्या तुम्हारी गोरी सरकार का? इसके जैसे भागी ही लगान वसूल करने नहीं देते। ठीक है मेन। यस सर। बोरिया उठा और वहीं पर रख जहां पहले थी। ठीक है। ये सब अंदर रखो। कलरी में हट। जैसे ही कछु बच्चन ने खबर दी सीधे दौड़ाता है। तुम्हें ढूंढते यहाँ आया तो ये मुसीबत। पलसी राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। ए, जे पलसी महाराज के सेनापति यहाँ हैं। प्रणाम। बैठिए महाराज। प्रणाम जुदेव। तलकेल का चंदू 5 साल मेरी तालीम में तैयार हुआ है। ये कौन? चंदू की होने वाली धर्मपत्नी। इको नाम है नीली, मंगनी हो गई हमारी। लड़ाई के कुछ तरीके सीखे हैं तुमने? हाँ, तीर कमान, बाकी हथियार थोड़े बहुत। उत्तम। कछु और चेला भी याद रहे तो बुलाओ उन्हें। ए, इते आओ। हाँ, मगर बुलाएं तो कछु और भी आ सकत। हाँ, इनके डेरों को बहराइमी से लूटा गया। वो लोग भी जो डर रहे थे शामिल हो जाएंगे। अब जरूरत पड़े कुरमर तोड़ल को भी ले आवे, वो भाले से सांड को भी मारत है। उन सब को आने दो जी। वायनाड में तुम लोग ही मेरा सहारा हो। हुकुम देंगे। आदमी ही हथियार होगा जी। आने वाले दिनों में लड़ाई तलवारों से नहीं, बंदूकों से लड़ी जाएगी। लेकिन जंगल में बस भाला, बर्छी और तीर। गोरे लोगों की फौज बड़ी होगी, लेकिन वे जंगलों के बारे में अनजान हैं। आदमी हथियार दोनों लगेंगे, लेकिन अहमियत जंगल की है। रक्षक भी है, भक्षक भी है जंगल। जंगल ही सहारा है। चंदू के साथियों ने कलरी की युद्ध कला सीखी है। उत्तम। लेकिन हम कलरी से थोड़ा हट के लड़ेंगे। कुछ खास रणनीति मैं उनके बारे में सोच रहा हूं। गुरिल्ला युद्ध नीति। छुप के वार करना एक शास्त्र है। पूरा शरीर बनता है आंखें, कान देखने लगते हैं, आंखें सूंघती हैं, शरीर शस्त्र बनता है। और इसी शस्त्र से हम जीत सकते हैं। हमला करने वाले सिपाही जोर से घोषणा करके हमला नहीं करने वाला। ये युद्ध है। दाएं बाएं देखने के साथ पीठ को भी आंख होनी चाहिए। ढाल के नीचे से तलवार को गोल घुमाकर घूम के काटो। हाथी की चाल से जमीन पे बैठक। ढाल के नीचे से तलवार घुमा के काटो। कूद के हवा में घूमो। हाथी की चाल से। कुंगन, राजन, आ जाओ। हाथ आजमा, एक अरसा हो गया। मुझे खुशी है आप यहां आए। मेरा कोई महल नहीं है तो आपको रहने की जगह भी नहीं दे सकता। वक्त पर खाना भी दे पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। आप कब अपने परिवार से मिलने अपने घर लौट पाएंगे यह भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा आपके साथ। क्या काली मिरी और इलायची के व्यापारी यहां राज करेंगे? क्या उनके नियम चलेंगे यहां? यहाँ विष्णु और मां भगवती का निवास है। वो आपके कर्जदार हैं। This is Tamrasheri Churam. This is Peria Churam, Peria Ghat. All Palasi's rebels and supplies have to go this way. And if we capture the Ghats, Palasi's army will be cut off. Very good. Captain Cameron, go ahead and proceed. Yes, sir. It's a disgrace, Major. Are you Indian coolies, or are you British soldiers? Mr. Pariyamveeram, sir, we have lost control of both the mountain passes. And just how many have we lost? Answer me! More than 100 dead and 200 injured. What a shame, Major. It's a disaster, Major. He's making a mockery of us. There were tribals with bows and arrows. We did not know where they were hiding in the forest. राजन, कन्नवत के नंबियार उनके बेटे के साथ। नमस्कार। नमस्ते। चिरक्केल के महाराज का संदेशा। बॉम्बे से आने वाले हैं वॉल्टर ईवर, सुपरिटेंडेंट पेले। समझौते पे बातचीत का न्योता है ये। जगह चिरक्केल के राजा का घर। हम राजी हैं तो तलशेरी में तहनामे पे हस्ताक्षर का भी सुझाव है। चिरक्केल के महाराज ने खुद होके पहल की है। सुना है हजारों का झुंड तामरशेरी से उतर आएगा नीचे। अगर उत्तर दिशा से डव साहब के 1000 और आकर मानंदेरी या पुलपल्ली में डेरा डालकर ताकत बढ़ाते हैं तो वायनाड के जंगलों को बारीक कंघी की तरह छान लेंगे। हमारी शक्ति को कम आंकना गलत होगा नायर। कंपनी फौज की ताकत से डरता नहीं मैं, पर चिरक्केल हमारे शुभचिंतक है। अगर वो बुला रहे हैं तो व्यवस्था कैसी है जाने बिना हाँ कैसे करे राजन? चिरक्केल के महाराज ने बातचीत के बहाने कछु मुझसे धोखाधड़ी करने में महाराज कभी साथ नहीं देंगे। आक्रमण या हम पे चढ़ाई नहीं होगी, इसका आश्वासन महाराज को डंकन ने भी दिया। मेरी तो यही तीव्र सदिच्छा है कि समझौता हो। नहीं अम्मू, नहीं, बहुत कड़वा है। बैजी ने कहा है और 4 दिन तो पीना ही पड़ेगा। सुना है महाराज चिरक्केल पहुंच गए। लंबे अरसे तक कैसे चलेगा, सोच के ही चिंता होती है। डंकन साहिब को मैंने ही खतरवाना किया। राजमहल नहीं, सेना नहीं, जो चूहे का बिल मिला वही जीना मेरे भाग में। बेटा, कंपनी की शक्ति कम नहीं है। भैया जानता हूँ, लेकिन जरा ये भी सुनिए, मुझे तो अकल ही नहीं है। बुद्धिमान सुपरिटेंडेंट साहब ही मुझे सलाह दें। क्रिस्टोफर पेले को लिखे इस खत की नकल कोई लिपिक चुपके से मेरे मुंशी को दे गया। खर्च के लिए पैसे दो, संरक्षण के लिए सेना दो, और उसके ऊपर से आप मुझे अच्छी सलाह भी दो। और ऐसा लिखने वाले हैं कोट्टयम के शासक और मेरे अपने चाचा श्री वीर वर्मा। अपने ही ऐसे हैं तो कंपनी को राज करने में क्या तकलीफ। क्या चाहती है कंपनी? जंग खत्म करनी है तो वे चाहते हैं कि तुम्हें त्रिवेंद्रम या और किसी दूसरे राज्य में 2-3 सालों के लिए रहना होगा। कंपनी कितनी ही बलशाली क्यों ना हो, मैं यथाशक्ति उसका विरोध करूं। राजपाट वापस पाने के लिए नहीं, परदेश से आए मुट्ठी भर व्यापारी देश कैसे चलाएंगे, मेरा सवाल ये है। तो तुम तलशेरी नहीं आओगे? आपकी इज्जत करता हूं भैया, कोट्टयम का जो हाल हुआ वही चिरक्केल का भी। ये सच जान लीजिए। आप ही बताइए, मैं ऐसा समझौता करूंगा जो मुझे मेरी ही भूमि से निकाल दे। यहाँ शांति चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। मेरा भी। माकम कैसी है? बताने जैसा कुछ खास नहीं दीदी। वापसी में कैदेरी होगी, नहीं जाओगी? वो आस लगाए बैठी होगी। പ്രകാശം കശ്യപേയനം മഹാതുരി തമോരി സഭോഭക്നം പ്രണതോസ്മി ദിവാകരം പുരുഷമോക്ഷാരാധം ശിരോഗണം. Find him! कोई नहीं आएगा, इसलिए मत आवाज भी नहीं चाहिए. ये सिपाही कंपनी के आदेश से आए हैं, महाराज को कुछ खास खबर देने. अंदर नहीं है सर. महाराज कहाँ है? कहाँ है महाराज? कुमार जी, अपने आदमियों को मटनूर से वापस जाओ. जी राजा. सिर्फ तुम रहना और सिपाहियों की सेवा. यहाँ 3-4 पहरेदार हुआ करते थे माकम, कहाँ गायब हो गए? ये लो प्रसाद, बहुत प्यास लगी है माँ, थोड़ा पानी लाना पड़ेगा. Inside. उत्तर द्वार पे पालकी तैयार है. साहब की खास सूचना है, आपको पैदल न लाए. हे भगवान, इन्हें रास्ता दिखाते हुए तुम खुद आ गए. मैंने कुरुम रनाड़ की नौकरी छोड़ दी. कंपनी अब मुझे पगार देती है. कोट्टयम के कर वसूल करने का जिम्मा अब मेरा है. कंपनी ने आदेश दिया, मैं यहाँ चला आया. मुझे पकड़ने का वो तुम्हें इनाम क्या देंगे? अभी भी शंका बनी हुई है. आदमी का लालच कितने पैसों से शांत होता है? महाराज उठिए. चला. माकम, ये महाशय कहते हैं भोजन के लिए समय नहीं है. दावत होगी साहब के साथ. पानी नहीं मिला. छोड़ो, चलता हूं. पालकी में बैठिए. सुनिए, पानी. सबको उसी पालकी में भरो और वापस ले जाओ. इंतजार में साहब ऊब चुके होंगे. Storm. I'm tired. They suggested we go by boat from Mangalore, yet you would insist on trekking through the forest. Now enjoy your little picnic. Huh? Careful, darling. But Thomas... Watch your step, Laura. Easy. Tommy, how far is Thalassery? Ask him. Thalassery के लिए करीबन 8 घंटे लगेंगे. 8 hours only. 8 hours? Yes. Then we should make a camp somewhere here. It's not safe here. Wild animals? A wild man and his band of rebels. He's fighting the company. What does he want? He wants the British to quit. Why? He says this is his land. Is it? हमें लगो फौजी इगोरे ने बंदूक तानी तो हमने भी तीर चला दो. हमें जो पर्चा मिलो इनके थैला से. मुंशी जी, जी देखिए तो जरा. असिस्टेंट कलेक्टर बेबर. आदमी तो कंपनी का ही है. मैं हूं पलसी केरल वर्मा, योर एनिमी. महाराज के महल में जब इन्होंने लूट खसोट मचाई थी तब अपने 24 मरे थे. अब इनका क्या करें? काल कोठरी में डालते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं. उसे कचरा नहीं होने. इनकी तो मुंडी काटकर टुकड़िया में सजा के भेज देवे साहब को. आज्ञा करो जदेव. जरूरत नहीं, ये लोग हमारे मेहमान हैं. साहब, यहाँ एक कहावत है, अतिथि देवो भव. अंडरस्टैंड? I think that means guests are to be treated as gods. चंदू, हुकुम दें. साहब के लिए कुछ औषधियाँ लाओ, जख्मों की मरहम पट्टी करो. शाम ढलने को है, जंगली हाथी निकलेंगे. सुबह आंखों पे पट्टी बांध के पहाड़ी तक छोड़ाना. Is it poison? हैं? कहाँ गई? पूछ रही है तीर जहरीले हैं का? हाँ? तूने कैसे जान लो? ऐसे ही अंदाजन. जहरीले तीर अलग से धरे हैं. कोरन ने व्यापारियों को धमकी दे दी. अब कछु अन्नदान नहीं मिलने. पूरी सेना के लाने रसोइया हैं कितने? सिर्फ हम 10 जने। महाराज की वजह से सब बर्दाश्त कर ले, आतर तुम्हारी रसोई तो ढोर बिना खाए। अच्छा जल्दी लो गरिया, मुँह में डाल दे। Gentlemen, meet my fiancée, Dora. Charming. Pleased to meet you. The pleasure is all mine. Hello, thank you. Please. Shall we begin? So, you met Palasi? Yes, we were his guests. Guests? You had guns and porters. You could have taken him in. He is a gentleman, not a wild man, as you had said. Quiet, Dora. Pardon me? What was that? Nothing. He has killed hundreds of our men. And how many men were killed by your soldiers on his side? Don't ask silly questions, darling. This is war. Do you remember the place? It will be difficult to find him in a dense forest. Ha! We shall take a regiment to the forest and hunt him down this instant. Bloody weapons! Shoot them! They may be among the rebels! Come on! They're getting away with our rifles! बंदूक के बारूद को सूखी जगह पर रखो। जी। चलो अच्छा हुआ और बंदूकें भी आ गई। तलशेरी फैक्ट्री में पढ़ने के बाद ये खत डंकन साहिब को और मैकलॉड साहिब को पेश किया जाए। अगर आप वायनाड से जिंदा वापस आना चाहते हैं तो कंपनी वहां से अपने डेरों को हटाए और पहाड़ियां छोड़कर वापस चली जाए। हम 3 दिन का कालावधि देते हैं। पलसी की सेना पीछे हटने वाली फौज पर आक्रमण नहीं करेगी। कालावधि खत्म होने के बाद ऐसा युद्ध सौजन्य वायनाड में होने वाली कंपनी फौज को हम नहीं दिखाएंगे। उसके बाद आपके किले पे काटे हुए सर रोज़ भेजे जाएंगे। 3 दिनों की गिनती इस खत के मिलते ही शुरू कर दी जाएगी। केरल वर्मा पलसी राजा श्री कृष्ण चयम। 3 days. They allowed 3 days to withdraw the army from Wayanad. Otherwise they say they will kill all of the company's army in Wayanad. That is all. This is not a letter. It is a threat. A warning to the company. He's a dangerous man. Bandari? Ji. Translate the letter and send it to Governor Duncan immediately. Yes, sir. Let us await the orders from Bombay. कंपनी के साथ हमारी सुलह हो ऐसी हमारी धारणा अवश्य है। अब आप महानुभाव चर्चा करें और तय करें कि क्या करना चाहिए। कुरुम्बरनाथ राजा को हटाया जाए। तिरुवनंतपुरम में रहने वाले पलसी के ज्येष्ठ बंधुराज को राजपाट संभालने बुलाया जाए। मैं समझता हूँ प्रमुख मुद्दा यही है। कोई आपत्ति नहीं। अगर वो राज देने का आग्रह करते भी हैं तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। बड़े भाई के नाते उनका हक है। सिर्फ इतना काफी है। हर प्रदेश के मुखिया की राय लेनी चाहिए, शर्तें जाननी चाहिए। समझौते का हाथ उन्होंने बढ़ाया है, हम झुके नहीं हैं। डंकन साहेब कोई घिनौनी हरकत नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। पेरिया और तामरशेरी अपने पास है। धमकियों और घोषणाओं के बावजूद लोग अब भी हमसे आकर मिल रहे हैं। समझौता करने का यही तो कारण है ना साहेब का। युद्ध खत्म होने में ही सबकी भलाई है। मरने मारने के लिए उनके लोग तैयार हैं, हमारे भी, पर एक समूह इन दोनों के बीच झुलस रहा है, उसे न भूलें। आम जनता। अब आप ही कुछ कहिए सेनापति जी। हमने युद्ध किया तो महाराज के सम्मान के लिए, जो हम जारी रखेंगे। संधि करते समय इस बात को ध्यान में रखिए राजन। Explain, Bandari. Yes, sir. एक, तिरुवनंतपुरम गए हुए पलसी केरल वर्मा के बड़े भाई को वापस लाके कोट्टयम का कारोबार उन्हें सौंपा जाए। 2, चूंकि युद्ध समाप्त होने को है, कोट्टयम के रहवासियों को पूरे प्रदेश में बिना इजाजत के यहाँ से वहाँ जाने पे कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। 3, पलसी महाराज के कोट्टयम के वास्तव्य के लिए रखरखाव के तौर पे नाममात्र सालाना 8,000 देने को कंपनी राजी होगी। 4, पलसी राजन के महल से जो पैसे सोने जवाहरातों की लूट की गई वो वापस पलसी राजन को देने की कार्रवाई मलबार कमीशन तुरंत आरंभ कर दे। अगर किसी कारणवश ये शर्तें टूटती है तो हस्ताक्षर करने वाले गवाह कंपनी को सहायता करने का पूरा आश्वासन देते हैं। He is here and he's alone. Why can't we arrest him right now? He is not alone. Hmm? कंपनी की आर्मी बहुत बलवान है, जानते हैं, लेकिन डरते नहीं हम उससे। आखिरी सांस तक प्रतिरोध करेंगे, अपने अधिकारों के लिए, गरिमा के लिए, स्वातंत्र के लिए। महाराज, the company's military is very strong, we know, but we will resist to the last to uphold our rights. Our rights, dignity and freedom. लोगों के जीवन में शांति होनी चाहिए। He says people should live in peace. My people. सिर्फ परिवार के वेतन के लिए इतनी लाशों के अंबार लगवाएं? कर दिए हस्ताक्षर। कोट्टयम की जनता सुख शांति से रहे, बस इतना ही सोचा और कर लिया समझा। अपने ही देश में घूमने के लिए लोगों को प्रमाण पत्र दिखाने पड़ेंगे तो जनता किसे कोसेगी? मुझे ही ना। तलाशेरी में प्रवेश के लिए मुझे भी प्रमाण पत्र चाहिए। कथकली और शतरंज खेलते दिन बिताना अब आराम से। ऐशो आराम की जिंदगी में बड़े महाराज भी संतुष्ट रहेंगे। सेना को विघटित कर दूंगा, ऐसी शर्त नहीं रखी। करार में ऐसा कुछ नहीं। कुंगन, आज भी तुम पलसी की सेना के सेनापति हो। तलशेरी के लिए? निश्चित नहीं किया। कंपनी की सेना में भर्ती हो रही है। सिपाही हूँ, काम मिलेगा तो जाऊंगा। अंबू सेना छोड़ जाएगा तो और भी जा सकते हैं। फिर पलसी की सेना की क्या ताकत? सुलह तो हो गई, फिर सेना किस लिए? महाराज ने सेना विसर्जित नहीं की है, तभी तो उन्हें जेल में डालने का साहस नहीं किया गया। सेनापति कुंगन उनके साथ है, ये डर भी है गोरे लोगों को। अकेला सेनापति, उसकी भला क्या ताकत हो सकती है? कंधे से कंधा मिलाने वाले साथी हो लड़ने के लिए तो सेना का धैर्य और भी बढ़ता है। मैसूर के अब्दुल कादर का खात्मा करने के तुम्हारे डंके आज भी कंपनी में बचते हैं। हाँ, उस दिन मैं नहीं गिरा। सही समय पे धाराशाही होना भी एक सौभाग्य है। लोकगीतों में उसकी कीर्ति बढ़ती है। सैनिक की साधारण सी तलवार पर जादू और दंतकथाओं के सोने का पानी चढ़ता है। मुझे कहना यह है, युद्ध के तरीके बदल गए हैं। तलवार के साथ बंदूक भी चला सकते हैं, वही नेतृत्व करेंगे। पलसी सेना तुम्हें संभालनी है। मैं तो रहूंगा ही, पीछे रहूंगा वो भी काफी है, और इसमें मेरा कोई अपमान नहीं। सेनापति एडचेन कुंगन अंबू के हाथों नीचे? मजाक है क्या? कैदेरी घराने जितना महान नहीं है मेरा घराना। साधारण से घराने में पैदा हुआ मैं। भरी दोपहर को एक बच्चे को खाने की तलाश में भटकता देख गुरु पिंडाली नंबीशन को तरस आ गया। तन को कपड़ा दिया, स्नान संध्या के लिए तेल। सोचा राजकुमार का सामान उठाने ये बच्चा ठीक रहेगा। कहते हैं तुम तुलनात कलरी सीख के आए हो। दंतकथाएं और भी है। मेरे सेनापति बनने के बाद घराने की महानता बढ़ा दी मेरे अपने ही लोगों ने। राजन जानते हैं, उस दिन अपना आधा खाना मुझे देते हुए छोटे महाराज मुस्कुराए। प्यारी सी मासूम मुस्कान। पेट भी भर गया और दिल भी। फिर जो भी उन्होंने कहा मैंने किया। सेनापति बनाया तो सजदे के साथ वो भी कबूल किया। बस राजन सिर्फ मेरे स्वामी नहीं, मेरे पिता समान है। बड़े युद्ध के आसार हैं। राजन हारने नहीं चाहिए। विराजिए। भोजन के पहले कुछ जलपान वगैरह? जी कुछ नहीं। लगता नहीं है कि हम मिले हैं, लेकिन ढंग के सुने। पलसी महाराज के दाहिने हाथ। कुछ नई खबरें हैं, महाराज ने इनके साथ भेजी हैं। कंपनी का यह नया कानून है कि मृत मुसलमानों की जायदाद पर वो कब्जा करें। ये कैसा कानून? मुसलमान तो लुटेरे हैं ना। कंपनी की आंखों में आप और मैं सब लुटेरे ही हैं। अब तो और भी कानून बनेंगे मलेच्छों को दबाने के लिए। प्यास लगी बंदे को उसने 4 नारियल तोड़े तो उसे भी बंदी बनाएंगे। मूसा, मेरा भांजा ऐसे ही पकड़ा गया। जिनके पास हथियार हैं वो उन्होंने कंपनी को सौंपने हैं। बंदूक के लिए 8 रुपए मिलेंगे, तलवार के लिए लोहे के भाव के ऊपर 8 आना। राजन आपसे इन सारी बातों पर बातचीत करना चाहते हैं। सुलह कर ली ना राजन ने तो 8000 के लिए। अगर वे शर्तों का सम्मान करते हैं तो शांति रहेगी, नहीं तो क्या आपको लगता है कि लोग राजन का साथ छोड़ देंगे? उन्नी मुद्दा, हमें आपकी भी मदद चाहिए। हमारे आदमियों को फांसी पर चढ़ाने का गलत काम कंपनी का नहीं था, वो महाराज ही थे। मस्जिद भी नहीं बनने दी। वो हमेशा दुश्मन ही थे ना मलेच्छों के। कुडाली में 6 बंदों का कत्ल नहीं करवाया। मतलब चेटी के बंदियों को फांसी चढ़ाया, पर राजन ने नहीं। वे सब पढ़न मिड़न के लोग थे। उसे रिश्वतखोरी के मामले छुपाने थे कंपनी से, तो थोप दिया केस महाराज पर। कोई भी विश्वास कर लेता। वो लगान विरोधी जो ठहरे। कुडाली हादसे की आपको अच्छी जांच करनी चाहिए। कुडाली जमींदार को कुटियाली ने मारा, सच है ना? उन्होंने बदला लिया, दोनों तरफ के लोग मरे। उसमें राजन का हाथ नहीं है। दिन रात साथ रहता हूं, मैं जानता हूं। काम होने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। खर्चे के पैसे मिले तो तलुए चाटेंगे ये राजा लोग। केवल एक में ही विरोध का साहस था तो उसे दबाना था, इसलिए उस पर केस के ऊपर केस। गोरे तो महल को लूटने की खबर भी दबा देंगे। अब कंपनी आपसे भी दोस्ती करने आएगी। आए थे, वही वेतन की बात, पुलिस सुरक्षा वगैरह। क्या वो हमारे आदमियों को जेल से निकालने के अधिकार देंगे? मरहूम मलेच्छों की जायदाद जब्त करने का नियम हटाएंगे? बताइए आप। उन्नी मुद्दा को परिवार चलाने के लिए कंपनी के फेंके टुकड़ों की जरूरत नहीं। खुदा कौन तशरीफ लाया है यहाँ? आप हुक्म कर दे, मैं खुद चलाता। महाराज सोचा जरा मैं भी देखूं इतने बड़े लुटेरे का घर कैसा है। बैठिए महाराज, आप भी बैठिए, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। या अल्लाह, किसके आने से रौनक हुआ मेरा घर। कुंगन नायर ने कुछ समाचार बताए थे, जो लोग व्यापार करने आए थे देश को चलाने के कायदे बना रहे हैं। पोर्तुगीज ने शुरुआत की, फिर डच और अब अंग्रेजा धमके। 4-8 ढेर लगा दो रेशम के और सलाम ठोको, सारे राजे महाराजे खुश। सैकड़ों सिक्कों के लिए ये कंपनी के नौकर विरोध की आवाज उठाने वाला कोई भी सर काटते हैं। मैसूर से टीपू की कुछ खबर? युद्ध जारी है, मैंने सेना भेजी है। कंपनी की तरफ से लड़ना मेरा फर्ज था, ये सुल्तान जानता है, क्योंकि वायनाड को मैं किसी के हाथ लगने नहीं देता। मातृभूमि गुलाम बने, ऐसा कोई समझौता नहीं। नीचे तमिलनाडु तय करा है, यहाँ से 1.5 दिन चलने के बाद शिवगंगा। पेरिया मर्दू की सेना 5000 सारे इकट्ठा हो जाएं तो कंपनी को दक्षिण भारत छोड़ना ही पड़ेगा। सुलहनामे पर दस्तखत करने वाले गवाहों का क्या? अगर कंपनी शर्तों का पालन करती रहे तो ही संधि बनी रहेगी। तुर्कन मेरे बंदे आएंगे, जरूर आएंगे, बस कब और कहाँ बताइए। गुरगल, हाँ जी। महाराज की दावत का इंतजाम रहने दीजिए, बस यूं ही स्नेह बनाए रखिए, काफी है। Cheers. Cheers. नया घर शानदार, सब कुछ बिल्कुल गोरे साहब जैसा। लीजिए, मुफ्त में मदिरा भेज दी, बंगले पे दावत पे बुलाया, बस पतिदेव खुश। पता है ना कणार मेनन, पलसी महल को दरअसल लूटा फौज ने और लांछन हम पे। हाँ हाँ, सोना चांदी लोग कहते हैं, यहाँ पहुँचा है। आगा ना पीछा लोग बोलते रहेंगे, मेरे बारे में क्या कहते, देखो ना, कहते हैं गोरों का गुलाम हूँ। The governor is worried, sir. About what? Tax collection, sir. Bandari is no good. And the ruler is not at all efficient. You should give the full authority to Mr. Chandu. You know, he is very efficient, sir. असिस्टेंट कलेक्टर बेबर, जानता हूँ। आर्मी चीफ ऑफ पलसी। कैदेरी के स्त्रियों को भी अंग्रेजी चाल चलन सिखा रहे हो कणार मेनन? सिर्फ लगान की वसूली नहीं, मैंने सुना पलेन वेडन तो कोट्टयम पे राज करने वाला है। किसने बताया? सही सुना। अनुभवी सिपाही की आवश्यकता हो तो बुला लेना, मजाक नहीं, जरूरत पड़ भी सकती है। सेना तो है नहीं, पर सेनापति का अभिमान अब तक गया नहीं। साहिब भी यही है, अच्छा है। सुनो, एक, पलसी महल को गोरों की फौज ने खाली नहीं किया। तय तारीख के बाद भी महल की लूट को वापस नहीं किया गया, गलत हुआ। 2, रखरखाव की तय रकम मिली नहीं क्योंकि बॉम्बे के अधिकारियों ने दस्तखत नहीं किए, गलत हुआ। 3, सिविल नियम बनाने के वादे को तोड़ दिया। कंपनी के पासेस बिना लोग घूम फिर नहीं सकते, यह भी गलत हुआ। साल 972 आषाढ़ का 10वां दिन, मतलब 1797 जुलाई 22 को गवर्नर डंकन के साथ किया गया तहनामा मुझ पर या गवाहों पर बंधनकारक नहीं होगा। दस्तखत श्री कृष्ण जयम पलसी केरल वर्मा। कंपनी ज्येष्ठ राजा बाकी जमींदारों को नकल सुबह मिल जाएगी। ऐसा बेईमान आदमी राजा होगा सोचकर कोई अपने लोगों से दुश्मनी नहीं लेता। बहना क्या कर रहे हो? रुकिए, रुकिए, सुनिए, शांत हो जाइए। यह अखाड़ा नहीं है। छोड़िए ना। मैदान में उतर। अजीब मर्दों जैसे लड़ते हैं। चल। जगह नहीं है। कुंगन, अब तुम यहाँ से जाओ। सिर्फ मैं और तुम मिलने चाहिए, आमने सामने। देखना वो दिन जल्द ही आएगा। How was the party? He cancelled the treaty. You mean? Yes, your hero, Palasi. Well, did you return the palace to him? And the treasures your men plundered? Plundered? It was a military campaign. No, it wasn't. Wake the runner. Have him send a message to the commissioner. Now. He is really bold. He's a crook. Your men are more crooked. Thomas! I shall have him arrested. राजा नल की तरह तुम्हें बिना बताए छोड़कर जाना था, पर कहाँ? वो भी इस समय? वायनाड में नया सैनिकी डेरा डाला है। लोग वहाँ ढाढ़स बांध कर तभी आएंगे जब मैं वहाँ रहूंगा। वायनाड में कहाँ? मुझे ठीक तरह से नहीं मालूम। अत्यावश्यक सुविधाएं होने के बाद तुम्हें बुला लूंगा। वायनाड के जंगलों ने हमेशा मेरी माँ जैसी रक्षा की है। रो मत, साहस जुटाओ। मेरे लोग यहाँ पहरे पर होंगे। ना बेटा, तू नहीं आएगा मेरे साथ। हम लोग इस समय बंजारे हैं। सही समय पर कुमार तुझे मेरे पास ले आएगा। माखम, मैं भी आ रही हूँ साथ। युद्ध कभी भी शुरू होगा, जिंदगी घोड़े के पीठ पे होगी। कोई सुविधा नहीं, सेवक दासी नहीं। मुझे मत रोकिए, यहाँ अकेली नहीं रह सकती। आपके साथ रहूंगी तो ही मन को शांति मिलेगी। हमारे चाचा ने कथकली गाने में लिखा था, अब जंगल ही एक आशा है। कितनी सच लग रही हैं आज वो पंक्तियां। सेना के चेकपोस्ट जैसा कुछ लगता है। It is not easy to escape, sir. आगे बढ़ो, देखते हैं चेकपोस्ट पर काम कैसे होता है। Let us see. रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मुर्लन कोल्डी। गाड़ी में क्या है? तम्बाकू? कायदा तोड़ने वाला कुछ नहीं। कायदे पंडित हो क्या? नीचे उतरो। इसमें क्या है? सच बता, तो पलसी का आदमी है ना? पलसी का आदमी नहीं, पलसी ही। पलसी केरल वर्मा। There. Excuse me, Major. What is it? We have information that the forest checkpost has been attacked by Pirashi. So, he has started the war again. Big guns have come, sir. Subedar, Saran. Mr. Cheran has served with General Stewart in Mysore. Halsey must be somewhere in Wayanad Forest. Organise patrols and search everywhere. Yes, sir. Excuse me, sir. We will give special training to our sepoys. They know every nook and corner. We want results. We will not tolerate any failures. अगर कोई गद्दार पलसी केरल वर्मा को या उसके गिरोह के किसी आदमी को पकड़ता है या पकड़ने में कंपनी की मदद करता है तो कंपनी उसे बड़ा इनाम देगी। एडचेन ओदेनन 1000 सिक्के, एडचेन कुंगन 2000 सिक्के, पल्लू रेवन नायर 1500 सिक्के, पलसी का भांजा वीर वर्मा 1000, पलसी का भांजा रवि वर्मा 1000 और इन गद्दारों का नेता खुद पलसी केरल वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले व्यक्ति को इनाम 3000 सिक्के। पनमर से फौज को कहीं भी जल्द से जल्द भेज सकते हैं। वेल्सली की योजना यही होगी। पनमर को केंद्र बनाने की भी सोच रहे होंगे। बड़ी बड़ी बंदूकें और तोपें भी आ गई। बस पता सूंघने की देर है, फिर वे हमें घेर लेंगे। उससे पहले युद्ध भी शतरंज का खेल ही है। कम से कम आगे की 3 चालों तक सोचना पड़ता है। अभी के लिए उन सारी जगहों पर लोग तैनात करो जहां से गोरों की हर खबर मिले। दिंडीमल से लेकर वल्ली और काव तक अपने 300 आदमी बिखेर देते हैं। मेरे आदमी पहाड़ी तले पहरा दे रहे हैं। मानंदेरी में हमारे कछु आदमी बचे हैं, उन पे भरोसा कर सकत। हाँ, कल पूरन मासी है। तुम भी मेरे साथ भविष्यवाणी सुनने चलना नंबियार। महाराज आप मत जाइए, धोखा है। जगह जगह घोषणाएं की गई हैं। आरो प्रदेशों के मुखियाओं, यहाँ क्यों पधारे हो? पलसी महाराज ने आज्ञा दी इसलिए। अच्छा है, महादेव भगवती का देश है ये। रक्षा करनी है, इसलिए महाराज सेना जुटा रहे हैं। उनकी मदद करो, लोग जमाओ जैसा आप उचित समझे। है? नहीं, महाराज तो नहीं है, वो कणावत नंबियार। पलसी का दाहिना हाथ, उसे पकड़ने से काम हो जाएगा। सुना तुम लोगों ने? अब तक राजा और जमींदारों को लगान चुकाते थे, अब सिर्फ कंपनी की फौज को भी लगान। Sir, he's not telling anything, sir. He is Kannavath Nambiar, Palasi's right hand. And the boy? His son, sir. Ah. Hang them in a public place and let it be a lesson to his people. His accomplices, and the beginning of the end for Parazi Raja. Ah, well, this is a jolly little party, isn't it? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा बेटे? नहीं पिताजी. डरो मत. अपना डर, उनकी जीत. उन्हें जीतने नहीं देंगे. Orders. Oh. But he is a boy. You cannot hang him. Miss Dora, this is no place for a lady. Will you please leave? You cannot do this. Do not interfere. Do as the Major says. Get on with your job. Oh. Sir. पहुंचे तो पता चलो नाम्बियार जी को कणवत ले गए थे. भागम भाग में होते पहुंचे तब लोग बहुत देर हो गई थी. सब खत्म. सारे किसान मंदिर में पुजारी के पास होंगे. उनके पास हथियार नहीं होंगे. यही सोच के फौज ने घेराव किया. गोरों को सिखाने के लिए उनके साथ कुछ अपने लोग भी हैं ना. हमारे कछु लोग जेल में हैं. उन्हें भी फांसी हो सकती है. नायर जी विदेश पता चला कण्णवत नंबियार और उनका बेटा. मैं इसलिए आया था. श्रीरंगपट्टन से मुखबिर आया था. निजाम कंपनी को जा मिला है. अब टीपू सुल्तान का टिकना मुश्किल होगा। जनरल श्रीरंगपट्टन से वायनाड तक गुर्दल भेजने की सोच सकते हैं क्या? ध्यान रखना होगा। पनमर में सबरी फौज जमा हो गई तो? पनमर का घेराव, पूरी तबाही। क्या हम यह कर पाएंगे? आप यही सोच रहे हैं ना? कर पाएंगे, कैसे और कब, मैं ये सोच रहा हूं। घर से नारायण और अम्मू आए थे, कुछ बर्तन, जरूरी कपड़े लेके, अत्यावश्यक चीजें बस। किसके साथ आए? अम्बू भैया ने व्यवस्था की थी। हमारे डेरों को ढूंढने के लिए कंपनी जंगलों को छान रही है। सब छोड़ छाड़ के भागने की कब नौबत आए पता नहीं। कपड़े, बर्तन, गहनों के पेटी, चंदन के झूले नहीं मंगवाए साथ में। इसीलिए कहा था कि औरतें नहीं चाहिए। मैं ही नियम बनाता हूँ और फिर तोड़ देता हूँ। नीली और उसके लोग तो है ना यहीं पे? उनके लिए ये जंगल बच्चों के झूले के जैसा है। नीली से सगाई के बाद एक हफ्ते में ही चंदू मुझे आ मिला था। मेरा दिल बहुत बेचैन है। मेरी सोच गलत हुई तो कितने जीवन बेकार जाएंगे। जब ये सोचता हूँ। आपकी सोच सही है, मेरी प्रार्थनाएं भी तो हैं। सभी की प्रार्थनाएं मुझे घेरे हैं, शायद वही मुझे शक्ति देती है। मामा जी, नायर जी आपसे बात करना चाहते हैं। अभी एक और दूत आया था। जनरल स्टुअर्ट के विरुद्ध युद्ध में मैसूर की फौज गिरी। सुल्तान भी बंदूक से मारे गए। मतलब वेल्सली जीत गया। To General Wellesley. To General Wellesley. So the invincible Tipu Sultan is no more. Yes. We have one more problem, Palasi. The tribals are the problem. They strike fast and disappear. That is his strength. If the company can defeat Tipu Sultan's great army, then Palasi's coolies and his tribals are nothing. What say you to that, Mr. Tanar Menon? You are right, sir. Tribals are nothing. Cheers. To your right, Rifleman 4, Eastern Gate to your left, Rifleman 5, 6, 7 and 8, stay on reserve, prepare to engage the enemy, fire at will, charge! soldiers! Lift detachments 2 and 3, bring down 20 rockets! Good morning, Colonel. We lost the fort. More than 300 were killed. Captain Dickinson? Captain Dickinson, Lieutenant Maxwell, all dead. Kungan's army was less than 400. Yet we lost. The tribals. Yes, the tribals. And their bloody leader, the rascal, Thalakkal Chandu. You're the master strategist. Yet you can't capture him. Just some tribal youth. Ow. प्रणाम जुदेव। नीली ने मन्नत मांगी थी कि ब्याह के बाद शंकर जी के दर्शन करने जाएंगे। लड़ाई जीतने के लाने भी मन्नत मांगी है थी। हो आइए। सावधान, तुम्हारे सर पे इनाम घोषित नहीं किया है। रुको, टीपू की नज़र वायनाड पे थी, फिर कंपनी की भी। इस मिट्टी की भरपूर उपज परदेशियों को आकर्षित करती है, ये ख्याल है ना तुम्हें चंदू? हाँ, सुनी है। यहाँ के भूमिपुत्र थे तुम। मुट्ठी भर तंबाकू और 2 ऊनी टुकड़ों के बदले में सब लुटा बैठे और भूमिपुत्रों से गुलाम बन गए। उन सबको इकट्ठा करना है तुम्हें। हाँ। मेरे पास कई कल्पनाएँ हैं, कोट्टयम से लौटूंगा तो हर एक विभाग का कारोबार एक एक लायक सेनापति को दे दूंगा। मानंदेरी, पुलपल्ली, पूदाड़ी ये प्रदेश जुड़ जाएं तो इलाका पर पानी से बड़ा हो जाएगा। टीपू भी फौजदार की नियुक्ति करता था, वैसे ही उत्तर वायनाड का फौजदार तलक्किल चंदू। हमें कछु नहीं जाने, आपके हुक्म को पालन करने बस। ये भूमि सोना उपजाती है, काबिल व्यक्ति को इसे संभालना चाहिए, इसीलिए सोचा मैंने। सुनो तो, मकर के महीने में हमने जो सांड को शिकार करो बाढ़ याद है तुम्हें? उतई से तो आउट है हिरण, देखे नहीं का? अरे बाबा नहीं आ रहे। उतई हरो भरो मैदान, गर्मी के दिनन में पानी, लाल लाल माटी, मकई बाजरा फसल अच्छी हो सकत। तैने कैसे जान लो? अरे माटी को रंग बता दे कि बा उपजाऊ है कि बंजर। दिन रात तीर कमान कंधा पे लटकावे वाले पागत, कहा जाने खेती बाड़ी। हाँ कहबो का चाह रही। हम बताएं, घर बसावो चाहो, अच्छी माटी, पानी, भरपूर बांस और उते हमारी एक झोपड़िया। ये भागम भाग से तो मुक्ति मिले। युद्ध जीत के आए हो, अपने हथियार रख दो, मैं पूजा करूंगा। काल बदल जाए, खास ताबीज देता हूँ बेटी। संगी साथी का आबो बाकी है, आने दो। भी बांधो, काला जादू जानता है वो, कस के बांधो। 100 सिपाहियों पे भारी पड़ने वाला वो वीर शूर पराक्रमी तलक्कल चंदू। सिपाहियन के जोर पे ते बहादुरी दिखा रहा हो, मर्द है तो खोल हमें, एक एक लड़ाओ फिर दिखाऊं है हमारी लड़ाई को जादू। बंदूक तलवार की जरूरत नहीं है, बाया हाथ काफी है। खोल हमें, इसको घसीट के लेके चल पिंजरे तक। Tanar Menon. Sir. पैदल सेना के लिए 10, सिपाहियों के लिए 20. साहिब को आपने हिस्से के बारे में बताया कि नहीं? अरे ये सब तो खत्म होने दो, बाद में बोलता हूँ. हाँ, आओ मुपन. He is the chief. बैठो ना मुपन, बैठो. बैठो, बैठो मुपन. Thank you, Mupan. Good work. Very clever man. Huh? Please, take this gift. Hmm? Oh. There is a man में. अब बाकी चीजें वादा था. बाद में. क्या पूछ रहा है? हमने जो वादा किया था, वो चीज मांग रहा है. Sir, bottle of whiskey, he is asking. Oh. Oh. इधर ला. ये तेरी नारंगी या तोड़ी नहीं है, ये विदेश में बनी विस्की है. विस्की. हाँ, बहुत महंगी विस्की. तेरे गिरोह के सारे आदमी अब कंपनी की तरफ से होने चाहिए. मुंहपन की सुननी चाहिए सब लोगों ने. फिर दारू तुम्हाको जो चाहिए ये साहिब दे देंगे. पन्नी तड़म से लेके अम्बुगत्ती पारा तक बस एक राजा होगा, ये मुंहपन. खड़ा रहे. साहेब को जंगल के मशहूर महान योद्धा को देखने तो दे. हाँ? कोरन की झूठा चाट के मुटा रहो है तो और जोर से भोग पलन मिला. तू लड़ी रोस्कल. मिस्टर मेनन. सर. Please read the death warrant. Sir. गद्दार पलसी का साथ देते हुए इस चंदू ने 136 अंग्रेज अफसरों को मारा है और 300 से अधिक सिपाहियों को मौत के घाट उतारा है. इसे पकड़ने में मदद करने के लिए कंपनी ने मुपन का सम्मान किया है. जो बागियों का साथ छोड़ते हैं और माफी मांगते हैं, कंपनी उन्हें उनके घर और खेत वापस दे देती है. बागियों को आज नहीं तो कल कंपनी पकड़कर ऐसी ही जालिम सजा देगी. Hangman, carry on. Well, I'm glad I came back for this. I think this calls for a little celebration tonight. Wonderful. Wonderful. नीली। मेरा दाहिना हाथ कट गया राजन। This one is for Thalakkal Chandu. Carry on, carry on. Cheers. Enjoying the brandy, are we, sir? The wild boar is plentiful. Hey, right enough. There's plenty of game around, sir. And how about Mr. Baber, Major? He is preparing his heroic report to the collector. Go and see who it is. Yes, sir. Shoot that bloody native! से फौज निकल चुकी है, कल तक पहुंच जाएगी। शतरंज के प्यादे नहीं हो तुम, फौज के सिपाही हो, सिपाही। बागियों को और उनकी सहायता करने वाले रिश्तेदारों को ढूंढ निकालो। उन बनियों के घर में घुसो जो गद्दारों को धान, अनाज, बाकी रसद भेजते हैं। उन्हें पकड़ो और यहाँ ले आओ। Weapons, weapons are more important. Sir, जिनके पास हथियार होंगे उन्हें कैद कर दो। Company, on your mark. Left, right, left, right, left. These are the new recruits, sir. कृपया हाथ मत जोड़िए। आपसे धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। हथियार पकड़वे की ताकत जौन दिन आ जाए कोई दिन लौटा है महाराज। हाँ चलो रे संगी। मामा जी हम, तुम भी जाओ उनके साथ, तुम्हारी माँ को सुकून मिलेगा। घर परिवार छोड़ के अरसा हो गया, तुम भी जाओ शेखर। अब न कोई खत आएगा न जाएगा। घर नहीं, खेती नहीं, कहाँ जाऊँगा महाराज। अब तो अंत तक बस आपके साथ, मेरे राजन के साथ। घोड़े पहाड़ी चढ़ गए, कई टुकड़ियां हैं। लगता है हमारा ठिकाना सूंघ लिया है। यहाँ से निकलिए अभी का भी। अगर निकलो, कुंगन का है। क्या हुआ अम्बू? तेरे पठानों का सबको बुलाओ, सारे हथियार ले लो। राय रप्पा, अम्बू मैं फौज को रोकता हूँ, राजन को लेकर तुम लोग निकलो। तुम मेरी सुनो, पहाड़ी तले मेरे आदमी हैं। कुरवन कुंड की घाटी में मैं घोड़ों को रोकता हूँ। उतने समय में तुम छावनी हटाओ, जल्दी। उमर सबको बुलाओ, यहाँ से जल्दी निकलना है। अम्बू जल्दी से सामान बांध लो। हे देवी, चलिए जल्दी। मेरी तलवार दो, मैं भी जाऊंगा। अम्बू अकेला है, जिद मत कीजिए राजन। अम्बू काबिल है, जल्दी निकलिए यहाँ से। जी आप कुंगन की सुनिए ना जरा। कबू कबार निर्णय हमले, महाराज को पालन करने पड़े। पालकी तैयार है, यहाँ बीमार लोग हैं, घायल सिपाही हैं। इन सबको तो हम संभाल रहे हैं। चलिए राजन जल्दी चलिए। Look inside. Tell me, where? I'm never there. Don't waste sausages. Finish him. राजन का ध्यान रखें, मैं अम्बू की मदद करने जा रहा हूँ। आप जाइए यहाँ से, फौज आ धमकेगी, उन्हें मेरी ही जरूरत है। भावना से काम लेना शौर्य नहीं। जाइए आप। बहुत कीचड़ में लथपथ मरूंगा। ऐसे डरावने विचार मत करो भैया। साथ होना चाहिए तुम्हें। जीतेंगे, जुलूस निकलेगा शानदार। मैं न रहूंगा राज। ये तो क्या? तुम भी वहां रहोगे अम्बू, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जाना सभी को है, लेकिन हमारे तलवार की वीर गाथाएं अमर रहेंगी। आने वाले बच्चे उनकी लोरियां गाएंगे। सब लोग कसम खाओ कि आप बागियों का साथ छोड़कर घर चले जाएंगे। अग्नि देवता की कसम खाओ। चलो। अग्निदेव की कसम, अग्निदेव की कसम। जल्दी चल। कसम कसम है, कसम। जल्दी हाँ तुम कसम। तो आगे बढ़। सर, company ready for operation, sir. Make groups and hunt him down from burrow to burrow. रुको, हाँ हाँ चल चल। सर, इन लोगों को पलसी के नए डेरे का पता है। What do you mean? They know the place. The men on. Tell them to surrender. Sir. कंपनी सेना ने तुम्हें घेर लिया है। जिन्हें जान प्यारी है वो हथियार नीचे रखे, हाथ ऊपर उठाए और शरण आ जाए। सर, I think they have left. Well, they can't have got far. Search for them! Come on! कैप्टन, जुबेदार। कोई नहीं आएगा। जान में जान है, तब तक कंपनी महाराज को छू भी नहीं सकती। चंदू, तू आया उसी पल से तेरी ताक में ही था। ना फौज, ना तोप, ना बंदूक, सिर्फ मैं और तू। में साथ खेले, पले बड़े हैं। कुंगन, अब याद आ रहा है तुम्हें? और कोई नहीं था जिन्होंने हम दोनों को बड़ा किया, उन्हीं को भूल गए। उन्हीं के सर पर इनाम रखा तूने। ये मेरी गुरु दक्षिणा। जंगली जानवर जैसे धोखे से बंदी बनाकर चंदू को मार डाला, तब सुना है तू खड़ा होकर जश्न मना रहा था। तलकेल चंदू की आदि देवताओं को मैं चढ़ाऊंगा तेरी बलि का समर्पण। Have you surrounded? Kungan, surrender yourself. Kungan, भाग नहीं सकते, शरण आने में भलाई है। Don't move. पे फांसी पर लटक के नहीं मरेगा ये यड़च्चेन कुंगन। विदा नहीं ले रहा, बहुत सहा है तुमने मेरे लिए। अपने शस्त्रों से जितना अनुराग किया उतना भी मैं तुमसे नहीं कर पाया। शेखर के साथ कैदेरी चली जाओ, अधिक सहने की तुम में ताकत आए, बस मेरी यही प्रार्थना है। चलता हूं। जिन्होंने अपना समझ के मेरी रक्षा की वो पहले चलती है, योद्धा विदाई के लिए नहीं रुकते। जा रहा हूं माकम। मेरे दुस्साहस को क्षमा करें। सैन्य नहीं, साथी नहीं, ऐसे हालात में समर्पण करना बेहतर है नाराजन। और सिर्फ सम्माननीय शर्तों पर ही। इस बार वो वचन नहीं तोड़ेंगे। खाने के टुकड़े की राह देखने वाले कुत्ते की तरह तुम चाहते हो मैं उनकी राह देखूं, यही ना? आपकी जिंदगी हमारे लिए अमूल्य है। बुढ़ापे में जंग लगी तलवार को देखते रहना, अपने ही बारे में वीरता की मनगढ़ंत कहानियां बना के खुद ही उन पर विश्वास करना। नायर, जीवन के आरंभ से एक छाया पीछे आ रही है, एक दिन वो मेरे ठीक सामने होगी। मौत वो है, डरता नहीं मैं। आंसू नहीं, रोने का मन है तो रो लो, मेरे लिए नहीं, इस बदकिस्मत भूमि के लिए। उस पर रो, स्वर्ग का लुभावना वर्णन मुझे मोहित नहीं करता। अब एक ही लक्ष्य बचा है मेरे लिए, इस भूमि का असली वारिस कौन, ये लिखना है, ये लिखना है मुझे अपने खून से। अब यही, अब बस यही। order to meet me? I am Palasi. Palasi Kerala Varma. Throw down your weapons and surrender if you value your life. My life is worthless. I value my country's freedom more. साहिब क्या कहते हैं सुन लीजिए महाराज, शरण आ जाइए। गद्दार, तुझे मारूंगा नहीं। तेरा रक्त यहां गिरा तो ये धरती अशुद्ध हो जाएगी। दूर हो जाना सर से। Soldiers on guard! Take up arms! Be prepared to fire! Wait! We need him alive. Those are the orders. Stand down! Mr. Chairman? Sepoys! Take him in! was our enemy, but he was a great man, a great warrior. We honor him. Present arms!